सबसे पहले दीप अनफिन की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और बकरा ईद के दिन बहुत सारे कसाईयों के तमाशे होते हैं, तो इसी के बारे में वीडियो बनाई है, तो चल के देखें। छोटे बड़ी छोटी बकरा भाई जान, आप लोग क्या पानी वानी नहीं पीते क्या? भाई पीते हैं पानी, क्यों? ऑटो पर ले आओ, ठंडी कर, ठंडी दे, ठंडी किया कर। हाँ, ये वाली बड़ी लग रही है, जल्दी के बांध खोल, जल्दी डाला करना, जल्दी करा कर। और ये गोल्डन पीस तो भूल ही गए, ये भी डाल। भाई अम्मी बोल रही छोटी छोटी बोटियां कर दें। अबे ओ दादा, ना दिमाग खोटी नहीं कर, जाके अम्मी को बोल कोई छोटी बोटी नहीं होगी, बड़े बड़े बोटे मिलेंगे। ये 20,000 में तुम लोगों ने क्या खरीद लिया मेरे को? क्या समझते हो तुम लोग? और नौकर वोकर नहीं हूँ, प्रोफेशनल कसाई हूँ, अपने पास काम की कमी नहीं है, समझा? छोटी बोटी, अबे हट, घर की औरतों को और काम ही क्या है, बैठ के मोबाइल यूज करना है बस। बोड़ी तो छोटी, ओ चुप कर दादा, कान में ना बिन बिन नहीं कर, वरना यही छुरा घोप दूंगा तेरे अंदर, समझा? तेरी छोटी छोटी बोटी कर दूंगा। आया बड़ा भाई, आपको 20,000 रुपए तो दिए ना, वो तू मेरी बात सुन, तू मुझसे 40,000 ले और अपना मुंह बंद कर, समझा? और ये छुरी तेज करके दे, छुरी तेज नहीं है। अच्छा भाई कर रहा हूँ। बेकार औजार दिए एकदम। भाई एक बात बोलो। हाँ बोलो भाई। माशाल्लाह आपने काफी बड़ा जानवर किया है। क्या भाई, कितने का किया है? यार भाई इस दफा मंडी बहुत चढ़ी हुई थी, हमें मिल गया ये इत्तेफाक से 2.5 का। 2.5 लाख का जानवर किया है? हाँ भाई 2.5 लाख का। माशाल्लाह यार बहुत बड़ा जानवर किया है। बहुत शुक्रिया भाई। लेकिन माजरत के साथ भाई, दिल छोटा है आपका। भाई दिल क्यों छोटा है? दिल बहुत छोटा है। क्यों छोटा है भाई? भाई कसाईयों का थोड़ा बहुत हक होता है यार, हमें भी थोड़ा गोश्त दे दो, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, दुआएं देंगे आपको यार। यार मैंने आपको मना थोड़ी किया, ले लो। कितना? 5 किलो ले लूं? 5 किलो कर लो, कर लो, ले लो यार, चलो 5 किलो डाल लो आप। शुक्रिया भाई। अच्छा मैं ना थोड़ा लेग पीस लूंगा, ठीक है? बगैर हड्डी वाला। सही है, वो बड़ा बोटा ले लूंगा मैं। दुआ करना लेकिन। हाँ हाँ दुआ करेंगे, हमारे बच्चे भी करेंगे। ज्यादा दुआ चाहिए तो ज्यादा गोश्त दे दो। अच्छा यार आप थोड़ी हड्डियाँ भी डाल लेना बस। चलो ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ छोटे इसको जरा डाल ले, साइड में लगा। क्या हो गया भाई? भाई मेरे को उसकी बहुत याद आ रही है, जब से गोश्त काटना शुरू किया। उसकी? किसी तो नहीं की, किस करते तो यार थोड़ी होते, हम कसाई थोड़ी बनते। वो सही होते, धोखे दे देते, काट के चले जाते, वही अच्छे होते। हम ईमानदार थे जब ही हमारे साथ ये हो गया। भाई पहली दफा भैंस कॉलोनी में मैंने भैंस का दूध निकालना था, वो आ गई दूध खरीदने के लिए, मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, हमारी आंखें आंखों से मिल गई, उसने इशारा दिया मेरे को, तो मैंने सोचा उसको मुझसे मोहब्बत होगी, जब ही तो ऐसे देख रही है। खैर फिर मैंने ना उसको जो दूध निकाला था एक गिलास में डाला, उसको दे दिया, गट गट करके सारे ही पी गई। मैंने सोचा मेरे को देगी, कुछ पूछेगी, हम एक ही गिलास में मुंह लगा के पिएंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, शुरुआत हो जाएगी मोहब्बत की। लेकिन क्या करें, काट के चली गई। अरे भाई सबका कटता है यार, हमारा भी कटा है, काम करे यार अपना। अच्छा भाई आपका ऐसे तो नहीं कटा होगा ना जैसे मेरा कटा है? यार आप काम करने आए हो ना, काम करो। वैसे भाई एक बात थी, मेरी वाली थी सबसे अलग। हर बंदा ही कहता है। साहब ये बात सुनना जरा, ये इतनी साइज की बोटी सही है? आप भाभी को दिखा दो, क्योंकि पकाना तो भाभी को ही होता है ना। हमारा तो फर्क बनता है, एकदम दिखा दो, अच्छा हो जाएगा। कहाँ कहाँ हाथ मारो, कट कौन पे हांडे, जल्दी जल्दी गरबान खोल, खोलिए खोलिए। यार गोश्त कट नहीं रहा, लगता है आपने छुरी तेज नहीं करवाई। ओ भाई छुरी तो सीधी पकड़ो, उल्टी पकड़ी हुई, कहाँ से कटेगा गोश्त? ओहो माय मिस्टेक, अब कट रहा है, अब तो कटेगा ना। अनाड़ी कसाई। ओए क्या कर रहा है भाई? मोबाइल यूज कर रहा हूँ। ओ तेरे पास और कोई काम नहीं है? मोबाइल यूज कर रहा हूँ का बच्चा, रख इसको रख। तुम लोगों के घर में क्या चाय वाय नहीं पकती? यहाँ पे बंदा बुलाया हुआ है, 20,000 दे के ऐसा लग रहा है तुम लोगों ने मेरे को खरीद लिया है, मुफ्त में खरीद लिया ऐसा लग रहा है। जा जाके चाय लेकर आ और दूध ज्यादा डालिए उसके अंदर, समझा? अच्छा भाई ला रहा हूँ, अब क्या फायदा, बोल के चाय मंगवाने का फायदा ही क्या, बेकार चाय लेकर आएगा। अब शक्ल देख रहा है तू मेरी, अबे ऐसी बोलना पड़ता है, जा लेकर आ चाय। और बात सुन, दूध ज्यादा डालेगा
पानी कम डालेगा समझा। अगर ज्यादा पानी हुआ ना साले पिता फाड़ दूंगा गोश्त में समझा। निकल। मोबाइल यूज करते रहेंगे बच्चियों से लगे रहेंगे, साला गोश्त हम काट रहे हैं पिक्चर दिए भेजेंगे। आए बड़े हर पल तेरी याद सताती है मैं दिन। भाई अब क्या हो गया? भाई आपको पता है वो भी ऐसी पानी पीती। छुरी हटा। छुरी तो हटा लूंगा मैं। आपको पता है हम पहली दफा डेट पे कहाँ गए थे? कहाँ? सोडा पिलाने लेके गया था मैं उसको। उसको सोडा बड़ा पसंद था। उसने मेरे को कहा कि मेरे को सोडा पिला दो। मैंने बोला कौन सा कलर का सोडा पिएगी तू मेरे को बता। उसने मुझसे बोला मेरे को लाल पसंद है। मैंने आज पता चल रहा है कि उसको लाल क्यों पसंद था। सारा मेरा खून चूस के चली गई सोडे की जगह। मेरा खून पी लिया सारा। खून का पानी कर दिया। भाई गोश काट ले तू। भाई मेरी बात सुन लो आप। ये बार बार काट ले तो नहीं बोलो यार। उसकी याद आ रही है मेरे को। भाई तू गोश बना दे आप सही है। आप ठीक है। हर पल तेरी याद सताती है। भाई ये हड्डी वाला कैसे तोड़ू? मेरे पास तो सिर्फ चूरी है यार। भाई जल्दी जल्दी कर ले, मुझे बांटना भी है फिर गोश। हाँ हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं। थोड़ा सुकून करो, बड़ा जानवर था भाई। यार वैसे एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। हाँ बोलो क्या हुआ? देखो बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं मैं नहीं मानूंगा, बुरा बोलो। यार माजरत के साथ आपके घर की जो खवातीन है ना, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन आपके घर की खवातीन में सलीकामंदी बिल्कुल भी नहीं है। भाई क्या हो गया ऐसा? यार तौर तरीके होते ना, तौर तरीके है ही नहीं। क्या मतलब समझा नहीं मैं कुछ। देखो जब जानवर गिरता है ना तो सबसे पहले जानवर की कलेजी पककर आती है, कसाई को भी खिलाई जाती है। अबे भाई तो तुम कलेजी दोगे काट के जब दूंगा ना, जब पकेगी ना, ऐसे थोड़ी पकेगी। अच्छा मैंने कलेजी दी नहीं अभी तक? नहीं दी ना भाई। अबे ये तो भंड हो गया यार। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ ठीक है। एक काम करता हूँ ना, कलेजी पक के आने से बेहतर है मैं कलेजी घर पे ले जाता हूँ, मेरी बेगम जी बड़ा अच्छा पकाती है। तो आप कलेजी पकवा के अब लेकर आओगे? नहीं 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 लेकर नहीं आऊंगा, घर पे खा लेंगे हम लोग। तो हम क्या करेंगे भाई फिर? ना बड़ा जानवर है माशाल्लाह, गोश्त मिल जाएगा यार आपको। यार ऐसे नहीं बोलो यार, दे दो यार कलेजी दे दो। अच्छा यार ले लो कलेजी। यार ऐसे तो नहीं बोलो, भिखारी वाली फीलिंग आ रही है यार, खुशी से बोलो। ले लो यार। अबे खुशी से बोलो यार। भाई कलेजी आपकी हुई। हां ये हुई ना बात, सही है। छोटे कलेजी साइड में डाल दे। हां पूरी 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 डाल, पूरी डाल। बहुत शुक्रिया। अच्छा भाईजान वो हड्डी वाला गोश्त जो है ना, भाईजान मैंने आपको कहीं देखा है। कहाँ देखा है? यार कहीं तो देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। भाई पता नहीं कहीं देखा होगा। अबे जी भाई कैसे बाल काटू? यार फौजी का टेंशन रहा यहाँ तो ठीक है जी काट दे। अबे तू तो भाई जया नाई है ना जो 11A में बाल काटता है। साहब क्या करें, आपको तो पता है ना मौसमी कसाई, आम दिनों में बाल काटते हैं, कुर्बानी के दिनों में गोश्त काटते हैं, दोनों में काटना ही तो होता है। सही है भाई, अगले साल से मैं भी कसाई बनूंगा। मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इंसानों को काटता हूँ, जानवर भी काट लूंगा। ठीक है भाई, मुबारक हो, आपका गोश्त बन चुका है, सारा फाइनल हो चुका है। शुक्र अल्लाह का। अब ये बताओ कि पाए का क्या करना है? यार पाए को भी आप सेटिंग कर दो ताकि मैं फ्रिज में रखवा दूँ उसको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गाय में कितने पाए होते हैं? भाई हमारी गाय में तो चार ही निकले। चार पाए होते हैं ना, तो आपके घर में अफराद कितने हैं? हमारे घर में तीन अफराद है, मैं हूँ, अम्मी और अब्बू हैं। तीन अफराद? हाँ। तो तीन के लिए मेरे ख्याल से दो पाए काफी होंगे। दो पाए? मैं कुछ समझा नहीं भाई। भाई देखो दो पाए आप रख लो, दो पाए हम रख लेते हैं, हमारे घर में भी तीन अफराद हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो आप, कलेजी भी लेके जा रहे हो, आप गोश्त भी लेके जा रहे हो, आप पाए भी आप लेके जा रहे हो। यार आप नाराज क्यों हो रहे हो यार, दो पाए तो मांगे मैंने सिर्फ। यार नाराज होने वाली बात थोड़ी है इसमें, आप गलत बात कर रहे हो ना यार। चलो एक दे दो। अबे यार एक दे, अम्मी डांटती है यार पाए के चक्कर में। अबे यार क्या कंजूस आदमी हो, माशाल्लाह इतना बड़ा जानवर किया है, इतना बड़ा घर है, एक पाए पे मर रहे हो, छोड़ो यार। अबे छोड़ो यार, अबे नहीं लेना यार। हाँ ठीक है मैं नहीं दे रहा, आप गोश्त काटो। अच्छा दे दो दे दो, एक एक तो दे दो ना। अच्छा यार डन है डन है। हाँ ले लो एक पाया ले लो यार। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा उस तीन की सेटिंग ऐसे बनाना जैसे चार है। ठीक है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। खुशी से बोलना, खुशी से, खुशी से तो बोलना, खुशी से चेहरे पे मुस्कुराहट चलाओ। पाया आपका हुआ। बहुत शुक्रिया, ये हुई ना बात। छोटे एक पाए शर्ट में लगा ले, हाँ तीन इनको कर दे, एक हमारा है। ठीक है।
अबे भाई अब क्या हो गया यार? भाई बिल्कुल सेम टू सेम इस रंग की थी मेरी वाली। तो मैं क्या करूं? भाई अब मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ उसने मेरा काटा कैसे। भाई पिछले साल की बात है, मैं एक भाई के घर पे ऐसी गोश्त काट रहा था, उसकी मेरे पास काल आ गई। वो भाई उसकी काल आने पे ना मैं सब कुछ छोड़ देता था, काम वाम। इसी तरीके से मैंने काम छोड़ दिया। मेरी फर्स्ट कहीं नहीं जाएगी उस्ताद, आपकी बोटी कहीं नहीं जाएगी, मैं हूं ना इधर। इसी तरीके से मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी उसको, उसकी काल उठाई, उससे पूछा क्या कर रही है तू? मैंने बोला मैं गोश्त काट रही हूँ। मैंने उससे पूछा तू क्या कर रही है? उसने कहा कि खाला आई थी अभी, पाई की हड्डियां नल्लियां लेके, नल्लियां पता है ना आपको क्या होता है, वो नल्लियां लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इसको झाड़ दे, आज गुदा खाने का बड़ा मन कर रही है। उन्होंने कहा कि भाई चल अब गुदा झाड़। उसने बोला जैसी मैंने गुदा झाड़ा, जैसी हड्डियां झाड़ी गुदा निकालने के लिए, उसके अंदर से अंगूठी निकली और उंगली में आ गई। अब मैं असलम की बीवी बनने वाली हूँ। और उसने ये भी कहा कि मेरी रूह तेरे पास रहेगी और जिसे असलम के पास होगा, मैं क्या करूँ उसकी रूह, कैसे काटूँ उसको क्या? अबे भाई तू जा यहाँ से, मैं खुद काट लूंगा। भाई काटने का तो अल्फाज मना किया था आपको। अबे तू कट यार यहाँ से, कट। भाई मेरे पैसे वो भी कट गए, जा चल जा यार, कट। मोहब्बत करके तो हम किसी काम के नहीं रहे। आ जा भाई, ये वाली बोटी मैं ले जाऊंगा। नहीं नहीं, नहीं मैं उसकी तरह है ना, ये ले जाने दो भाई। जा एक तो साला मक्खी आती है जैसे यहाँ पे मैं मिठाई काट रहा हूँ। अबे वो क्या पागल वागल है क्या, तू कट रहा है क्या, शौक है तेरे को कटने का? भाई वो अम्मी कह रही है सिरी बना दे, वो जो सिरी में मगज होता है ना उसकी निहारी पकाएंगी। ओ हम कोई मगज वगज नहीं बनाते, ज्यादा मगज शार्ट नहीं कर मेरा, समझा तू? अम्मा को जाके बोल मेरा मगज काट ले, हमारा हाथ गंदा हो जाता है मगज काटने में, चल। भाई मगर कसाई तो निकाल के देता है ना मगज। वो तो उन्हीं को कसाई को कर लेता ना तू, 20,000 में समझ रहा, तेरे को मगज भी दू, तेरे को गोटियां भी छोटी छोटी करके दू, तेरे को पाए भी बना के दू। आया बड़ा, तुम लोग खुद क्या करोगे फिर? दफा इधर से, हाथ नहीं लगा मुझे। अम्मा को जाके बोल कोई मगज नहीं मिलेगा। पागल समझ के रखा ना, 20,000 में समझ रहे खरीद दिया, जा मैं नहीं कर रहा तेरा काम, चल। 20,000 पहुंचा दे मेरे ATM में डलवा। उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बहुत सारे लोग देखते हैं सब्सक्राइब करते नहीं है, तो सब्सक्राइब करें, समझे? कुर्बानी 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 कुर्बानी।